हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देविश भाई सर व्लॉग। एंड आई होप यू गाइज ऑल आर वेरी गुड। और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम आज पहुंच गए हैं एक शादी में है संजू जीजा और जीजूसा के साथ। और जाते ही देखो हमें यहाँ पे मिल गया है कि ग्रूम और ब्राइड दोनों का हो रहा था यहाँ पे एंट्री। तो हमने जाते ही इनकी एंट्री देख ली। और बट हमारी जो एंट्री हुई थी ना वो बैक साइड से हुई थी। इसके अंदर शादी में आने की एंट्री दूसरी साइड पे है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। हम बैक साइड से एंट्री करी हमने। और ये स्टेज लगा हुआ था यहाँ पे बहुत ही सुंदर, और दूल्हा दुल्हन भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर ये हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। ये शिलोब हेरिटेज रिजॉर्ट है भीलवाड़ा में ही, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें पूल वगैरह सब है। और ये एंट्रेंस पे ही यहाँ पे जो है लीकर था सारा, कॉफ़ी जूस शेक्स जो भी आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे था। और हम फिर इसको एक्सप्लोर करने लग रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये रिजॉर्ट, देखो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई इधर और देख रहे थे। फर्स्ट टाइम गई थी मैं तो मुझे ये बाहर से तो बहुत अच्छा लगता था जैसे कोई पैलेस हो, मतलब बिल्कुल इसकी एंट्री भी बाहर से ऐसे बना रखी थी। और अंदर से तो ये और भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्राउड भी बहुत अच्छा था। देखो कैसे कलरफुल कपड़े सबने पहन रखे हैं। और लेडीज़ को तो ठंड लगती ही नहीं जैसा भी आपको पता ही है। तो यहाँ पे लेडीज़ को आप देख रहे हो सब फैशन के अंदर है और सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, हम भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बट हम ज़्यादा अपनी वीडियो नहीं ले पाए, मैं खुद ही लगी हुई थी। संजू जीजा को ने कहा मैं ले लेती हूँ, बट मैंने कहा नहीं मैं आज लूँगी सबकी वीडियो, आपकी सबकी इधर की उधर की सब वीडियो मैं ही बनाऊँगी। फिर अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे तो लोग बैठे हुए थे, ये संजू जीजा आ गए सामने, यहाँ लेफ्ट साइड में तो लोग बैठे थे, ये सामने रेड रेड आप देख रहे हो ना बिल्कुल वहाँ से एंट्री थी। हमें नहीं पता था, गाड़ी इतनी दूर पार्क करके आए थे तो वहाँ से फिर हम लोग आए और यहाँ आके देखो बीच में हमने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी, थोड़ी वीडियो बनाई। मैंने कहा खुद की शक्ल तो ले, शक्ल तो बहुत गंदी लग रही थी, ऐसे ही तैयार होके चले गए थे। जीजा तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसे ही लग रही थी। फिर यहाँ हम पहुँच गए स्टॉल्स पे। ये पानीपुरी का स्टॉल था जो हमने नहीं खाया, ये था यहाँ पे छोले टिक्की, बहुत टेस्टी था, क्रिस्पी थी टिक्की भी बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को दिखाने के लिए भी मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप बताओ को कैसे लगी। फिर ये हमने खाया पास्ता, रेड सॉस और वाइट सॉस पास्ता था, ये भी बहुत अच्छा था टेस्ट में, मतलब नो डाउट खाना बहुत टेस्टी था। देन इसके बाद में हम गए यहाँ पे, बन रहा था चीला, चीला मतलब डोसा। हाँ चीला तो दिल्ली में बनते हैं छोटे छोटे, यहाँ इन्हें कहते हैं डोसा, वैसे ये डोसा ही बन रहा था। इसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटी थी डोसे में भी, आप दिलखुश डोसा, हमने दिलखुश डोसा खाया है जो बन रहा है। और फिर इसके अंदर था मसाला डोसा, पिज़्ज़ा डोसा और एक डोसा और था, वो हमने पूछा नहीं कौन सा था। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे काउंटर की तरफ, प्लेट्स ली हमने और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम खाएंगे स्वीट डिशेस यहाँ पे जितनी भी होंगी, क्योंकि जीजा को भी पसंद है और मुझे तो बहुत पसंद है स्वीट डिश। तो ये हमने यहाँ पे कोकोनट खीर ली, बहुत ही यम्मी थी, मतलब मीठी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है ये, बट क्रीमी और कोकोनट का टेस्ट और ठंडी, सबसे बड़ी बात इस मौसम के अंदर तो ठंडा ही चाहिए, तो ये ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर यहाँ पे है रबड़ी और सादा घेवर जो कि राजस्थान का फेमस है, तो मैंने तो खाया, मुझे तो बहुत पसंद है ये रबड़ी घेवर, वो खाया। उसके आगे फिर बादाम की बर्फी थी, देन उसके आगे काजू और अखरोट का हलवा था, ये मेरी कटोरी में देख रहे हो ना, ये अखरोट का और काजू का हलवा था, बहुत टेस्टी था। ये डेकोरेशन के कुछ पीस थे जो। और इतना सब कुछ खाने के बाद मैं और संजू जी जब पहुँच गए मेन कोर्स की तरफ, मेन कोर्स में भी खाना बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा यहाँ के ये दही भल्ले, इतने वाइट वाइट, इतने टेस्टी, मतलब बिल्कुल मुझे दिल्ली की याद आ गई, जैसे दिल्ली में मिलते हैं ना इमली की और केले की चटनी और दही बड़े, दही भल्ले, हाँ वो यहाँ पे मेरे को कहीं नहीं मिलते जो यहाँ पे मिले, क्योंकि बहुत टेस्टी, मज़ा, मतलब मुझे पूरी शादी में ये सबसे अच्छा लगा। और अब आप ये जो देख रहे हो ना, ये है एंट्री, मेन एंट्री ये थी, बट हमारी गाड़ी उधर की साइड खड़ी करी हमने पार्किंग में, तो उधर से इधर आने के चक्कर में हम लोगों ने वहीं से एंट्री कर ली। तो ये एंट्री के लिए फिर हम देखो थोड़ी बहुत यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, संजू जीजा मेरी, मैं संजू जीजा की, क्या करें लेडीज़ का आजकल टाइम पे यही काम है यार। बहुत अच्छी सुंदर सुंदर रील्स बनी थी, रील्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं मेरा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड रेड हो रखा था, बट बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई। गाइस ये है रिजॉर्ट, जीजूसा जीजा दोनों याद कर रहे हैं अपनी शादी की, क्या मैं
याद कर रहे याद। हाँ जिससे कह रहे मैं फोटो ही नहीं खींची कभी, आज मैं खींचूंगी सबकी फोटो और खिंचवाऊंगी इनको की ऐसे ऐसे। अरे यार ये तो और लोग भी आके गाइस अब हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी की तरफ, गाड़ी खड़ी है दूर। ये जीजा पैदल पैदल पचालो खाना, इसलिए दूर खड़ी करी, जगह ही नहीं थी है खाना पचाना। खाना पचा लेते हैं। हम फुल खा रहे हैं दो तीन दिन से पता नहीं कब से फुल खा रहे हैं। मैं तो फुल ही खा रही हूँ कब से, हाफ खाती नहीं। देखो हमारी गाड़ी बाहर निकली, हमारी गाड़ी यहाँ से दिख रही है बाहर निकली हुई। हाफ का कोई सीन नहीं, आपके भाई कहते हैं हाफ महंगा पड़ता है, फुल पूरा सही रहता है। या तो खाओ मत। हाँ या तो खाओ मत।